सोहेलो दोस्तों, मेरा नाम है निकेश और आप सभी को स्वागत है हमारे और आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप सभी को हम बताएंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में बैंक अकाउंट का KYC कैसे करें, इसके बारे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप हम आपको बताएंगे। जैसे कि दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि SBI बैंक का KYC करना तो आप किस तरह से करेंगे, इस सब के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को हम करते हैं कि बिना देरी के शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, उसके साथ ही आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को भी लाइक करें। वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में आपको क्रोम ब्राउज़र एप्लीकेशन को आपको ओपन करना है। ओपन कीजिएगा तो इसमें आपको सर्च करना है SBI। जैसे आप इसमें SBI आप इसमें सर्च कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा हमारे सामने में यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इस तरह का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको इस वाले वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा हमारे सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आने के बाद देखिएगा नीचे में एक ऑप्शन मिलेगा पर्सनल बैंकिंग का, उसी के नीचे में लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, आपको लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिएगा फिर से यहाँ पर हमारे सामने में इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो देखिएगा ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर कंटिन्यू टू लॉगिन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिएगा आपके सामने में फिर से कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर देखिएगा पूछ रहा है कि लॉगिन टू ऑनलाइन SBI, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों पूछ रहा है कि यूजर नेम पासवर्ड, तो यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा कि आप जो भी दोस्तों SBI का दोस्तों SBI योनो का जो भी दोस्तों आप यूजर नेम पासवर्ड बनाए होंगे वहाँ उसका दोस्तों यहाँ पर आपको अपना यूजर नेम पासवर्ड आपको इसमें एंटर करना है। एंटर कीजिएगा तो ये वाला कैप्चर देखेगा, ये कैप्चर को आपको इसमें एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर दोस्तों देखिएगा नीचे में यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे सामने में काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे। तो यहाँ पर हमको दोस्तों करना क्या पड़ेगा कि हमको इस यहाँ पर देखेगा तो ऊपर में हमारे सामने में 3 डॉट का इस तरह का लाइन दिखा देगा, इस पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखेगा कहीं भी दोस्तों SBI का दोस्तों यहाँ पर KYC का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। तो उसके बाद यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको फिर से आपको इस तरह से आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन कीजिएगा यहाँ पर भी देखेगा कहीं भी आपको यहाँ पर ऑनलाइन KYC करने का ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर आपको नहीं दिखेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या पड़ेगा कि आपको अपने बैंक अकाउंट में KYC करने के लिए दोस्तों यहाँ पर हम आपको तीन तरीका बताएंगे। पहला तरीका दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि बैंक नहीं जाना, अगर आप अपना बिना बैंक जाए अगर आप KYC करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक तरीका हम बताएंगे। फाइनली आपको दोस्तों जहाँ भी आपका ATM मशीन होगा नज़दीक में वहाँ जाकर दोस्तों आप फाइनली आप ATM कार्ड से भी आप KYC कर सकते हैं, ये तरीका हम आपको बताए हैं। लेकिन दूसरा तरीका हम आपको बताएंगे तो यहाँ पर आपको अपना योनो SBI का दोस्तों यूजर आईडी पासवर्ड यहाँ पर आपको लॉगिन करके भी आपको अपने बैंक अकाउंट में दोस्तों फाइनली आप KYC कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों तीसरा तरीका हम आपको बता दे तो सबसे अच्छा तरीका हम आपको बताएंगे दोस्तों, फाइनली आप अपने ब्रांच में जाइए, वहाँ पर आपको KYC फॉर्म एक दिया जाएगा, KYC फॉर्म फिलअप कीजिए। KYC फॉर्म भरने के बाद वहाँ पर आपको अपने ब्रांच में दोस्तों आपसे जो भी डॉक्यूमेंट मांगेंगे सभी डॉक्यूमेंट को आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों आपके अपने बैंक अकाउंट में बड़ी आसानी से KYC हो जाएगा।